सो नाउ अब हम मैं एक आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, मतलब एक्सपेरिमेंट जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि मैटर की एग्जिस्टेंस है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सराउंडिंग के अंदर हम आराम से मैटर को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि ये एक बीकर है, अगर मैंने मान लो एक बीकर लिया और इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर। सपोज अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा इंक डाला, सपोज दिस इज इंक, ठीक है, इंक तो सबको बताइए। अब जब मैं इसके अंदर इंक डालूंगा तो अभी देखो मैं ना दो तीन फिगर से आपको समझाऊंगा क्या क्या स्टेज आती है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेज पे क्या होगा, अब ये जो वाटर है, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है ये यहाँ पर ये इंक ना यहाँ नीचे तक जाएगी ऐसे, सेकंड स्टेज पे ये होगा, ठीक है, ये वाटर आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड स्टेज पे क्या होगा, ये अब हाफ पार्शियली मिक्स हो जाएगी, यानी कि मिक्स हो जाएगी बट पार्शियली, यानी कि कुछ इस शेप के अंदर हमें दिखेगी, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में मेरे को क्या दिखेगा, सपोज ये मेरी वो फोर्थ स्टेज है जब पूरी तरीके से इंक वाटर के अंदर मिक्स हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि ये है, सपोज ये है मेरा वाटर और अब यहां पर ये मैं इंक बना नहीं रहा हूं, जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं उस तरीके से आप थोड़ा समझो। अब इसके अंदर मिक्स है बट इसका जो कलर है वो क्या है, ब्लू। यानी ये हो गई फोर्थ स्टेज, ये हो गई थर्ड स्टेज, ये हो गई सेकंड स्टेज, ये हो गई फर्स्ट स्टेज। अब आपको ये जो जो फर्स्ट से फोर्थ स्टेज तक आई है ये छोटा सा फिनोमिना लग रहा होगा, बट ये छोटा फिनोमिना नहीं है, बहुत बड़ा फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि पानी है, पानी के अंदर जो छोटा पार्टिकल्स है उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन। पानी तो हिलता रहता है, आप देख रहे हो उधर की, अब ग्लास को तो उधर हो गया पानी, इधर के अंदर अगर स्टिल भी है तो भी पानी के अंदर मूवमेंट होती रहती है, यानी पानी का जो छोटा से छोटा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल्स, वो क्या है, मैटर। अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, यानी मोशन है। मोशन का मतलब होता है इधर से उधर जाने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पानी के अंदर इंक स्टार्टिंग में इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुई थी, तो वो वहां पे स्टेबल एक इसने एक क्लॉट टाइप का बनाया। सेकंड स्टेज में वो नीचे आया, थर्ड स्टेज में वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत मान लो फैल गया। फोर्थ स्टेज के अंदर अब पानी के अंदर वो प्रॉपरली मिक्स है, यानी कि जितना यहाँ पे ब्लू कलर होगा, जो कंसेंट्रेशन इस पार्टिकल का होगा वही कंसेंट्रेशन इस पार्टिकल का होगा, वही कंसेंट्रेशन इस पार्टिकल का होगा वही इस पार्टिकल का होगा। बट अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका कलर क्या है, बिल्कुल व्हाइट। सपोज जो पानी का कलर होता है ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट है, बट ये ब्लू है और यहाँ पे इंक की कंसेंट्रेशन भी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये मेरा एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैटर है, जो छोटा टाइनी पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे कैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लो करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा, जैसे कि इंसेंस, इंसेंस को हिंदी में बोलते हैं अगरबत्ती, इंसेंस, इंसेंस को बोलते हैं हिंदी के अंदर अगरबत्ती। अब देखो ये अगरबत्ती वाला जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये एक अगरबत्ती है, ठीक है, इसको जैसे ही मैंने लाइट किया यहां से इसके धुआं निकलेगा, स्मेल, धुआं भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा स्मेल, फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो अब जो ये फ्रेग्रेंस है, ये जब मैं 2 मिनट तक, जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, 2 मिनट 5 मिनट बाद में पूरे घर के अंदर फैल जाती है, ठीक है। जब मैं अगरबत्ती को जला रहा हूं, मेरा मंदिर के पास में बैठ के पूजा कर रहा हूं, तो वो 2 मिनट 5 मिनट बाद में पूरे घर में वो स्मेल कैसे आ रही है, सोचो जरा, इसमें दिमाग लगाओ। एयर है अपने एटमोसफेयर के अंदर, एयर है, एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मैंने पिछले अभी बताया आपको, ठीक है। तो अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया सेकंड पॉइंट में, ठीक है। दे हैव स्पेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जिधर जाना है तो उधर वो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो रैंडम पार्टिकल्स हैं विच आर फ्लोइंग, ये पार्टिकल्स इस स्मेल के साथ टकराएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो अपने साथ उस फ्रेग्रेंस को ले जाएंगे। अब धीरे धीरे ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, ये पार्टिकल दूसरे, सो ऑन सो ऑन, यानी कोलिजन इतना होता रहता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तक कोलिजन होता है, और वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं अपने घर के अंदर जो फैले हुए हैं उन एक एक पार्टिकल्स से मिक्स मिक्स हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे टकरा के, और वो फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैल जाती है।
ठीक है, और वो धीरे 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 वो थोड़े थोड़ी देर बाद में वो फ्रेग्रेंस निकल भी जाती है अपने घर से। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं ना, उनका तो मोशन रुक नहीं रहा, दे आर इन रैंडम मोशन, तो वो आगे आगे चलते रहते हैं और थोड़ी देर बाद में वो स्मेल अपने घर से खत्म भी हो जाती है। तो आई होप ये सेकेंड वाली एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी, सेकेंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी जगह पे आप स्लैश में परफ्यूम भी लिख सकते हो, सेम एक्सपेरिमेंट परफ्यूम के साथ भी होता है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया अपने मींस क्लोथ्स पे, तो क्या हो रहा है, जो वो मैटर है, मैटर ठीक है, वो मैटर क्या करेगा, एयर है, एयर के अंदर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है, वो कोलाइड करेंगे उसकी स्मेल से, और जब वो कोलाइड करेंगे तो वो जो आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो जो फ्रेग्रेंस है वो फैल जाएगी, और जो मेरे आसपास में खड़े होंगे जो पीपल, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो स्मेल आएगी, क्या है इसने इसने परफ्यूम लगा रखा है। तो वो ये छोटा फिनोमेना नहीं है, बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो छोटे से छोटा जो पार्टिकल जो अपने एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर। तो आई होप ये मैटर समझ में आ रहा होगा आपको कि मैटर क्या है। स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल भी है ना, चौक है, चौक बनी हुई है, तो जो चौक बनी हुई है उसका छोटा से छोटा जो छोटा पार्टिकल है, यानी एक सबसे छोटे पार्टिकल से जो चौक बनी हुई है ना, दैट इज मैटर। फिर बहुत सारे पार्टिकल मिले होंगे तब जाके वो उन्होंने उसको उसके बाद प्रेशर लगाया होगा, उसके बाद एक चौक बनती है, यानी स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल जो होता है उसको बोलते हैं मैटर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपने यानी मैटर कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे रैंडम मोशन में जा रहा है, कैसे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कैसे उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, यानी कि कैसे अपने जो टाइनी पार्टिकल्स हैं मैटर का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मैटर के साथ कैसे टेम्परेचर के साथ ये कैसे मीन्स वेरी करती है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, मैटर की जो स्पीड है, चाहे टाइनी पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड से मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी 9th के अंदर फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। जो भी चीज फ्री फ्री मोशन में होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब छोटा वाला जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। अभी सपोज अभी अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ले लो, जैसे कि रात के अंदर आप लोग दूध पीते हो, तो दूध के अंदर आपने अगर हॉर्लिक्स मिलाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हॉर्लिक्स इन हॉट मिल्क, यानी गर्म दूध है उसके अंदर आपने एक चम्मच हॉर्लिक्स का मिलाया। अब आपने उसको मिलाया, स्टिर किया, ठीक है, मिक्स किया, मिक्स किया, आप देख रहे हो कि मुश्किल से 30 सेकेंड्स के अंदर आपका पूरा का पूरा हॉर्लिक्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह वो स्टिक हो गया है, क्लॉट बन गया, नहीं, एक पूरा कंप्लीटली सेम प्रोपोर्शन में वो मिक्स होगा। अगर यही सेम अगर आप हॉर्लिक्स ले रहे हो और इसको अगर आप ले रहे हो फ्रिज में रखे हुए कोल्ड मिल्क के अंदर, आप कितनी भी कोशिश कर लो ये कोल्ड मिल्क के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन है टेम्परेचर की। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है कि जैसे गर्मी, उसको गर्मी ज्यादा देना। सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो जो मिल्क है वो बॉयल हुआ, इसके अंदर जब आप इसके अंदर हॉर्लिक्स को लोगे, हॉर्लिक्स का छोटा वाला पार्टिकल, हॉर्लिक्स का छोटा वाला पार्टिकल उसको जब मिक्स करोगे तो आराम से मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है मिक्स होने की। ठीक है, और स्पीड से मतलब आता है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का। सेम अगर आप कोल्ड मिल्क में ले रहे हो, कोल्ड मिल्क का मतलब हो गया टेम्परेचर कम। कोल्ड का मतलब यानी जैसे हमने फ्रीजर में रखा तो -डिग्री सेल्सियस का वो टेम्परेचर है। सपोज मैंने ले लिया -10 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो मिल्क है, ठीक है, अब वो बिल्कुल कोल्ड है, उसके अंदर जैसे ही 1 स्पून ऑफ हॉर्लिक्स आप मिक्स करोगे उसके अंदर आप उसके कितने भी कोशिश कर लो मिलाने की, वो क्लॉट बन जाएगा, स्टिक हो जाएगा, एक जगह धब्बा सा बन जाएगा और वो पूरे तरीके से सेम प्रपोर्शन में मिक्स नहीं होगा। अगर टूट भी गया ना तो 4-5 ऐसे वो बन जाएंगे कि क्लॉट वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे हॉर्लिक्स के मतलब मिल्क के अंदर। तो इससे क्लियरली होते हैं क्लियर होता है ये कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर अगर अपना कोल्ड होगा यानी कि कम होगा तो उसके अंदर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हॉर्लिक्स के छोटे पार्टिकल की मिक्स होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम मोशन, रैंडम स्पीड जो जनरेट कर रहा है वो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल था एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर।
अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और बहुत पहले से आप सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक बार बेसिक दोबारा एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स, दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, इस तरीके का होता है सॉलिड के अंदर, यानी कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। यहां मेरा थोड़ा बहुत फिर भी स्पेस बन रहा है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, यानी इतना भी स्पेस नहीं होता। दे आर टाइटली पैक्ड लाइक आइस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पेस क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल भी लो, यानी कि बिल्कुल टाइट है, यानी स्पेस बिल्कुल भी कम है। और लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड्स के अंदर स्पेस थोड़ा सा होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा होता है, यानी मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मीडियम, लिख रहा हूं मैं स्पेस के बारे में। ठीक है, स्पेस को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, और गैसेस के अंदर जो होगा, मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेरी लूजली पैक्ड, यानी कि इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा मुश्किल से, ये होता है गैस, यानी मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस हाई। ठीक है, स्पेस समझो, यहाँ पे लो यानी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और हाई मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस। उसके बाद हम देखते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचने का कितना फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेकंड पॉइंट पे आता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा है, तो इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई, और लिक्विड मीडियम। ठीक है, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल ही लो होगा। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ते हो, आई नो स्पेस अट्रैक्शन। ठीक है, यहां नाइन्थ क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड की बात करेंगे, स्पीड। ठीक है, जैसे मैं हॉर्लिक्स वाला एग्जांपल दे रहा था, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कौन सी चीज किस चीज के अंदर कितना ज्यादा, किसकी क्या स्पीड होगी वो। ठीक है, तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है गैसेस, गैसेस की। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई स्पीड किसकी होगी, गैस। गैस आप देख रहे हो एक मिनट में यहां और अगले कुछ सेकंड्स में वहां, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हुई, किस टाइनी पार्टिकल्स की मूव करने की स्पीड हुई, गैस की हुई ऑब्वियसली। उसके बाद लिक्विड है, तो लिक्विड आप पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर आपने मान लो कोई चीज रखी, कोई छोटी चीज रखी आपने। ठीक है, उसके बाद बोतल को आपने इधर किया उधर किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम है, गैस से कम है, बट सॉलिड के अंदर अगर आपने कोई चीज रखी तो वो स्टिल है, वहां पर बिल्कुल ही स्टिल है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हाई होगी, यहाँ पे मीडियम होगी, और ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा लो। ठीक है, तो आई होप ये स्पीड वाला फंडा आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया हॉर्लिक्स वाला, उससे आपको समझ में आ जाएगा, और ये स्पीड वाला आपको ध्यान भी रखना है नाइन्थ क्लास के अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम पढ़ते हुए आए रहे, ये तो बहुत पहले से हमें पता है, पर स्पीड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी ना मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ना आपने देखा होगा, जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आप कभी गए हो अपने पापा मम्मी के साथ कोई व्हीकल में पेट्रोल डलवाने के लिए, तो आप वहां पर देखना उस मीटर के अंदर ना पेट्रोल की रेट लिखा रहेगा, और कितने कितने रुपए का उसने डाल दिया वो लिखा रहेगा, और साइड में एक और मीटर होगा, वहां पर लिखा रहता है डेंसिटी, यानी कि जिस पाइप से वो पेट्रोल आ रहा है उसके नीचे वाले कंटेनर में कितना पेट्रोल अभी है उन लोगों के पास, तो वहां देखोगे आप डेंसिटी आ रही होगी। तो डेंसिटी कुछ आएगा, जैसे मान लो 7.77 मास हो गया किलो, और वॉल्यूम हो गया मान लो मीटर क्यूब। ठीक है, ये कुछ करके यूनिट आती है वहां पे पेट्रोल पंप पे, अगर आप वहां जाके देखोगे। तो डेंसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा नाइन्थ क्लास से। ठीक है, तो डेंसिटी जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे डेंसिटी है, यानी कि अगर कोई हवा भरी हुई है किसी एक रूम के अंदर, तो वो डेंसिटी पैरामीटर है जो बताएगा कि इस रूम के अंदर कितनी हवा भरी हुई है। अगर इस रूम के अंदर मान लो, अगर मैं मान लो पानी भरा हुआ है, तो पानी एक कंटेनर के अंदर कोई पानी भरा हुआ है तो वो बता देगा रूम के अंदर, बता देगा कि इस रूम के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। पर रूम क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रूम ओपन है। इसको बेटर एग्जांपल समझो आप, क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आपने पानी डाला तो डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर है वो बता देगा कि ये टाइट, यानी कि पूरा कहाँ कहाँ से पूरा फिल्ड है। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ एजेस होती है जहां पर नहीं जा पाता है, मान लो कोई सॉलिड चीज आपने रखी तो नहीं जा पाएगा। जैसे समझ लो आप, जैसे आपने आपने लिया कंटेनर पीपर टाइप ले लिया, जैसे आपने जैसे हम लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपको रखना है, मान लो आपने रखी दो, आपने रखी उसके अंदर चार ईंट रखी। ठीक है, तो चार ईंट रखी उसके बाद वो फुल हो गया,
बट वो कंप्लीटली फुल तो नहीं हुआ ना अभी उसके, अगर अगर साइड में देखोगे आप सम स्पेस इज स्टिल देयर, ठीक है। तो पीपा जो है, जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने रखा, जैसे मान लो ऑयल, जो हम सब्जी वाला जो रिफाइंड ऑयल आते हैं, अगर आप देखोगे अगर मतलब दुकान पे जाके, तो वहां पे पूरा कंटेनर मिलता है। तो कंटेनर के अंदर ज्यादातर लिक्विड चीजें आती है, क्यों? क्योंकि जब मैं उसके अंदर ऑयल डालूंगा तो वहां पे उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, ना तो गैस का ना किसी और चीज का। तो लिक्विड से अगर मैं फिल कर दूंगा तो वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब ईंट वाले में और इस ऑयल वाले में ये फर्क है कि वहां पे स्पेस था और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को हम अगर हम देखते हैं, अगर वो सही पैरामीटर है तो वो डेंसिटी है, डेंसिटी से मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑयल इसके अंदर है, ठीक है। बट हम ज्यादातर लीटर और केजी के अंदर नापते हैं, उसको उठा के ले आते हैं, बट जो सही पैरामीटर है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी में बता रहे कि कहीं से खाली तो नहीं रह गया, पूरा फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी के मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। डेंसिटी आगे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डेंसिटी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी क्या होती है? इसकी हाई होती है, इसकी मीडियम होती है और इसकी सबसे लो होती है, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थ्री तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। सपोज मैं मिक्स कर रहा हूँ लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे लिक्विड ले लिया मैंने सपोज कोई भी जूस, ठीक है, और उसके अंदर मान लो मैं पानी मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों लिक्विड हो गए। और इधर मैंने ले लिया कोई सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि पानी के अंदर चीनी, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, और ये क्या हो गया, जैसे कि वाटर इन जूस, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको मेरे को बताना है कि विच विल मिक्स फास्टर, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा सोचो जरा इसके अंदर क्या होगा। लिक्विड के अंदर मैं लिक्विड डालूंगा तो वो जल्दी मिक्स होगा, या सॉलिड को डालूंगा लिक्विड के अंदर तो वो जल्दी मिक्स होगा। यानी कि जैसे कि बेसिक समझ रहे हो आप, शुगर पार्टिकल्स है सॉलिड डेट विल डिफरेंट टाइप। तो इसका आंसर है ये, ठीक है। अब ये आंसर क्यों है, देखो सबसे पहले अगर अभी जो मैंने आपको चार्ट बताया था पिछले एक टॉपिक में, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस का बता रहा था, तो जो मीडियम चीज होगी, यानी जो बीच में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, बीच में क्या रहा है, लिक्विड, तो मीडियम वाले की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मीडियम होगी, ये चीज ध्यान रखना। सॉलिड वाले में क्या होता है, सॉलिड वाले के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, यानी कि वो इतने जल्दी जब घुलेंगे मिक्स होंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेक होने में, ठीक है। और जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, और लूजली पैक्ड अगर मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो वो एक दूसरे के पार्टिकल्स के अंदर बीच में मिक्स हो जाएंगे, यानी ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर इजीली मिक्स हो जाएंगे। और जो टाइटली पैक्ड है वो लूजली पैक्ड के अंदर इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगा, पहले जो टाइटली पैक्ड है वो बिल्कुल लूजली पैक्ड होगा और उसके बाद उन दोनों के अंदर मिक्स होगा, ठीक है। सॉलिड विल बिकम लिक्विड, लिक्विड उसके बाद वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होगा, ठीक है। तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है इस चैप्टर का, ऐसे मान लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने ले लिया सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, कब कब क्या बन रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। सपोज सबसे पहले मेरे पास है आइस, यहां पे है मेरे पास आइस, ठीक है, आइस को मैंने किया हीट, ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया वाटर, और वाटर को मैंने बहुत देर तक हीट किया, इसको भी मैंने हीट किया, ठीक है। अब ये क्या बन गया गैस, यानी वेपर, सॉरी गैस यूज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, एक अच्छा सा वर्ड यूज करूंगा, इसको बोलूंगा मैं वेपर्स, ठीक है। अगर 1 घंटे तक मैं पानी को बॉइल करता रहूंगा ना तो आप देखोगे कि जो पानी की पहले कंसेंट्रेशन थी अब बाद 1 घंटे बाद में उतनी कंसेंट्रेशन नहीं है, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा उड़ गया वहां से, और 1 घंटे बाद शायद बिल्कुल भी ना रहे, उड़ जाते हैं, क्योंकि वेपर्स बन के वो वहां से उड़ जाता है, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को क्या क्या बोलते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जब मैंने हीट किया, सॉलिड से लिक्विड जब बनता है हीट करके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और यहां पे वेपर्स बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है, इस चीज के अंदर कंफ्यूज मत होना, इवेपोरेशन अलग होता है, वेपराइजेशन अलग होता है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, हीट वाला तो क्लियर हो गया आपको, हीट वाला तो समझ में आ ही गया, ठीक है। अब अगर मैं गैस को कूल कर रहा हूं, ठीक है, कूल यानी कि गैस को ठंडा कर रहा हूं,
ठीक है, और यहां पे लिक्विड को कूल करूंगा तो वो सॉलिड, अगर गैस को कूल करूंगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब मैं कूल करूंगा तो वो बनेगा सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर जब मैं लिक्विड से सॉलिड को करूंगा तो ये होता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये चार्ट टाइप में मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर चार्ट समझ में नहीं आएगा तो ना तो ये टॉपिक समझ में आएंगे और ना चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, सॉरी, इस टॉपिक के अंदर हीट, पहले मैं कर रहा हूँ हीट। ठीक है, तो हीट कर रहा हूँ तो फ्यूजन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद वेपराइजेशन। ठीक है, जब मैं इसको कूल कर रहा हूँ तो कंडेंसेशन, और इसको जब दोबारा कूल कर रहा हूँ तो सब्लिमेशन। अब अगर मैं गैस से सॉलिड बना रहा हूँ, ठीक है, और सॉलिड से अगर मैं गैस बना रहा हूँ जो कि मेरा पॉइंट है ड्राई आइस वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा है, सब्लिमेशन ना यहाँ पे नहीं है, ये तो है सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी गैस का सॉलिड बनना और सॉलिड का गैस बनना। ठीक है, एस एस से नाम स्टार्ट हो रहा था तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार ना आप ये चार्ट बनाओ, जब आप बनाओगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। बस स्टेप ध्यान रखना है, पहले मेरे को हीट करना है और उसके बाद मेरे को ठंडा करना है। हीट तो देख ही लो आप, मैंने आइस लिया, फिर वाटर लिया, फिर वेपर हो गया। वेपर को अगर मैं वापस से ठंडा ठंडा करूंगा तो ये लिक्विड बनेगा। ठीक है, लिक्विड को ठंडा करूंगा तो सॉलिड बनेगा। ठीक है, वेपर यानी जो अपने फ्रीजर के अंदर होते हैं वो वेपर्स होते हैं, गैस के वेपर्स होते हैं। ठीक है, CO2 गैस होती है वो। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने ना फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन एक ही चार्ट में बता दिया है। आप डिटेल्स एक बार दोबारा पढ़ लेना, यानी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, बेटर होता है बच्चों को समझ में आना। मैं डेफिनेशन लिखूं फिर आप डेफिनेशन रटो, उससे बढ़िया है आप बेटर एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिकली हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं एक स्टेप पे बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। सपोज मैंने एक ले रखा है सॉलिड, अगर सॉलिड से मेरे को बनाना है लिक्विड तो क्या करूंगा, मैं इसको हीट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास क्या है यहाँ पे, आइस, और आइस को जब मैं हीट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, अब इस प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, वन बाय वन स्टेप, एक बार आप ध्यान से सुनते जाओ क्या क्या किस स्टेप पे क्या हो रहा है। सपोज ये मेरा है बीकर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने रख रखे हैं आइस क्यूब्स, दीज आर आइस क्यूब्स। ठीक है, दिस इज बीकर और ये आइस क्यूब्स है। ठीक है, आइस क्यूब्स, और नीचे मैंने लगा रखा है एक बर्नर, ठीक है, जिसके अंदर से फ्लेम्स निकल रहे हैं। ये हो गया मेरा बर्नर, जैसे गैस स्टोव हो गया वो। अब होता क्या है, अब ये आइस क्यूब्स जो मैंने फ्रीजर से निकाले हैं, सपोज उसका टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे ही मैंने गैस स्टार्ट करी, ये फ्लेम्स स्टार्ट हुए और हीट तो स्टार्ट होगी, इस गैस का मतलब यहाँ पे फ्लेम का मतलब क्या है, हीट, जस्ट टू प्रोवाइड द हीट। जब ये इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो धीरे धीरे होगा क्या, -25 डिग्री, समझ रहे हो ना, जैसे अपने यहाँ बेसिक टेम्परेचर होता है, जब सर्दियां आती है तो -5 -4 इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोगों से हैंडल नहीं होता, यानी जो अपने फ्रीजर का टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, -25। तो जब मैं हीट करूंगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, -15 -5, अब ये आ गया मान लो 0 डिग्री, 0 के आगे माइनस और प्लस लगाने से तो कोई फर्क है नहीं। ठीक है, अब यहां पर भी ये आइस है, यहां पर भी आइस है, यहां पर भी आइस है, और यहां पर भी ये आइस है। अब होता क्या है, यहां पर ये स्टेप आपको बहुत ज्यादा जरूरी समझना है और ध्यान से समझना है। अब यहां पर भी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट अब इसकी स्टेट हो गई है चेंज, अब ये बन गया है वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, भाई साइड में पानी आ गया, आइस आइस के साइड में पानी आ गया। अब जो ये मेरा ये वाला स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। सॉलिड से लिक्विड स्टेट कैसे जनरेट हुई, ऐसे जनरेट हुई, कौन से स्टेज पे हम बताएंगे कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो ये वाली स्टेज है जहां पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो यहां पर टेम्परेचर चेंज होता, बट देयर इज नो टेम्परेचर चेंज एट दिस पॉइंट, ओनली स्टेट चेंजेस। जब स्टेट चेंज हो रही है तो
तो वहीं पे मेरे को समझना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा, मान लो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, पानी गर्म होता जाएगा, पहले तो आइस थी वो ठंडी थी, अब आइस पानी बनी, पानी बन गई तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा। उसके बाद 5, उसके बाद 10, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट एक आती है, एक डेफिनेशन आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब जो ये मेरा पॉइंट चेंज हुआ है ना, इसको मैं बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे मेरी स्टेट चेंज हो गई है सॉलिड से लिक्विड, वो क्या होगा, मेरा मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर लिख रहा हूं, क्योंकि ये हम क्लियरली उसके अंदर पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई होप मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है, ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये डेफिनेशंस लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे रुक नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं यहां पे मिटा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें आप लोगों को दिखनी चाहिए, आराम से लिख सको, और आराम से आप बार 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 पॉज करके प्ले करके लिख सकते हो, डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये हुआ क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन तो मैं स्टेप बता चुका हूँ आपको पिछले वाले चार्ट के अंदर, कि सॉलिड से लिक्विड बनना जब हम हीट कर रहे हैं, दैट इज फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कितनी एनर्जी लगी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस। मान लो कि ये 1 kg आइस थी, ठीक है, तो उसका जो वाटर बनेगा वो क्या होगा, वो भी 1 kg ऑफ वाटर बनेगा, ठीक है। कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस टू 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। अब हम ठंडे ठंडे को गर्म कर रहे हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने बताया ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बन जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, LHF मैंने लिख दिया है। आराम से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन कैसे बनाई है ये भी देख सकते हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उतना का उतना ही प्रपोर्शन उतना ही है, बट उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उसमें कितनी एनर्जी लगी, यानी जो हमने हीट दी है नीचे से उसमें कितनी एनर्जी लगी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, आपको डेफिनेशन खुद बनाने आनी चाहिए, खुद कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यानी कि जब मैंने इसको गर्म किया तो जो एनर्जी लगी है ना, ये जो एनर्जी लगी है, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी लगी है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी, आप प्ले और पॉज करके लिख भी सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेकंड, लिक्विड टू गैस, जो अपना चार्ट था उसके अंदर, ठीक है। लिक्विड टू गैस कब बनेगी, जब हम उसको हीट करेंगे, यानी पानी को जब मैं हीट करूंगा एक टेम्परेचर पे तो उसके वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है, दैट इज गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किस स्टेप पे क्या चेंज हो रहा है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल वही है, आइस क्यूब्स को जो मैंने गर्म किया तो पानी बन गया, अब मैं पानी को भी गर्म कर रहा हूँ एक स्टेज पे, ताकि मेरे वो वेपर्स बनेंगे, वो कौन सी स्टेज पे बनेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल वही है बट स्टेट चेंज हो चुकी है, तो मान लो ये वाटर है, ठीक है, और पानी भी थोड़ा गर्म है, दिस इज वाटर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैंने क्या लगा रखे है, बर्नर लगा रखा है, जिसके फ्लेम्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मान लो ये अभी इसका जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अब मैं इसको हीट करता जाऊंगा, कंटिन्यूअसली हीट करता जाऊंगा, कंटिन्यूअसली हीट करता जाऊंगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा 35, 50, फिर 70, फिर 90, और फिर मान लो 100। अब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यहां इन सब स्टेज के अंदर ये क्या है, वाटर, ठीक है, बट इस स्टेज के ऊपर मान लो ये है वाटर, और यहां पर मैंने किया 100 डिग्री सेल्सियस,
अब यहां पे ये चेंज हो गया वेपर में, यानी कि अब ये वेपर क्या होता है, भाप, वेपर का मतलब होता है भाप। अब ये वॉल स्टेज आ गई है, जो पहले मैंने समझाई थी जैसे बर्फ का जो पानी बन रहा था वॉल से। अब यहां पे टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम बट द स्टेट इज चेंज, स्टेट स्टेट हैज चेंज। पहले वाटर था, अब वेपर बन गया, वाटर में मींस लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड था, अब ये बन गया गैस, ये तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे क्या बन रहा है। अब जो लिक्विड से गैस बना है, ये वो स्टेज है जहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ क्या आएगा, वेपराइजेशन, ठीक है, क्या हो रहा है। तो सेम इसी को देखते हुए मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ। बेसिकली आप इसके अंदर लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, एट विच लिक्विड 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 कन्वर्ट्स इनटू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। लास्ट वाली डेफिनेशन जो मैंने बताई थी मेल्टिंग पॉइंट वाली, वहां पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर कर लेना, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, वहां पे मैंने टेम्परेचर लिखा है शायद। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर स्टेट चेंज हो रही है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक चीज की स्टेट चेंज हो रही है। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी, ये कौन सी स्टेज है, वेपराइजेशन, मैंने चार्ट में बताया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट लिखते ही ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, इज नोन एज LHV, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इन टू गैस, देखो बेसिक सेम सेम डेफिनेशन है, यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और यहां पे स्टेट चेंज आपको दिखानी है, स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड इन टू गैस, ठीक है, ठीक है। यहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इन टू गैस एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ये कौन सी स्टेज होती है, इसको क्या हम बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, चार्ट में मैंने बताया था आपको क्लियरली, एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूं। गैस को अगर हमने कूल किया तो वो बन जाए लिक्विड, ठीक है, दिस इज कंडेंसेशन, ठीक है। कूल कूल नाम से समझ में आ रहा होगा, सी से कंडेंसेशन। जैसे कि जैसे मान लो सपोज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लो आपने फ्रिज में से एक बोतल निकाली जो बहुत ठंडी है, ठंडी है मतलब उसका पानी अंदर का बहुत ठंडा है। अब होता क्या है, 2 मिनट मतलब हमने पिया, उसके बाद हमने उस बोतल को रख दिया टेबल के ऊपर, तो हाफ एन आवर बाद में मैं क्या देखूंगा, उस बोतल का जो बाहर वाला सरफेस है उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, ठीक है, पानी की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, ठीक है। अब वो है क्या एक्चुअली, ये जो फंडा है वो ऐसे है कि गैसेस पार्टिकल जो मैंने बताया था आपको, मैटर के अंदर जो छोटे छोटे गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पर आके उससे रिएक्ट करेंगे, उस बोतल के सरफेस से रिएक्ट करेंगे। बोतल के सरफेस से जब रिएक्ट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अंदर वाला पानी बाहर आता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप सोचो, अगर आपने कोई स्टील का कंटेनर लिया और आपने फ्रिज के अंदर रख दिया पानी में भर के, अब उसके अंदर से पानी निकलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर, अगर आपने स्टील का कंटेनर लिया उसके अंदर से पानी नहीं निकलेगा, अंदर वाला पानी कभी भी बाहर नहीं आता। बाहर वाले जो वेपर्स हैं, यानी जो टाइनी पार्टिकल्स एयर के अंदर जो प्रेजेंट है, वो उस बोतल के बाहर वाले सरफेस से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो जो गैसी स्टेट है वो कूल हो रही है, उसको हम कूल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो वेपर्स बने हैं वो गैसेस टाइनी पार्टिकल्स की वजह से बने हैं, जो कि मैटर का पार्ट है, दैट इज व्हाट मैटर, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है वो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। सेम स्टेज क्या होगी, गैस से लिक्विड बन जाए व्हेन वी आर कूलिंग,
तो बेसिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने एग्जांपल दिया है वो समझ जाना आप। यहाँ पे बोतल, ठीक है, दिस इज वन बोतल, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वेपर्स बनते हैं बाहर की साइड, इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, और ये जो वेपर्स बने हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड, इसको मैं कूल कर रहा हूं। ये तो बेसिक सा पता ही है आपको। अगर अगर हमने किसी ग्लास के अंदर पानी भर के रख दिया फ्रीजर के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि 5 घंटे बाद में वो क्या बन गया, सॉलिड, दैट इज सॉलिडिफिकेशन, कूल कर रहे हैं लिक्विड को, कूल कर रहे हैं। तो बेसिक है ना। तो वाटर इन फ्रीजर, फ्रीजर में वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, पानी में रख रहा हूं फ्रीजर के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने ग्लास में रखा तो ग्लास में भरे वो आइस क्यूब्स बन जाएंगी, ग्लास में पानी बन जाएगा, या फिर अगर मैंने ट्रे रखी है तो ट्रे के अंदर आइस क्यूब्स बन जाएंगे। ये तो बेसिक सा है, तो आपको बचपन से देख रहे हो आप, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लास्ट जो आता है इसके अंदर, लास्ट आता है अपना सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन यानी गैस का डायरेक्ट सॉलिड होना, यानी कि सॉलिड का गैस होना, लिक्विड नहीं, सीधा गैस, और गैस का वापस से सॉलिड होना, ठीक है। ये है अपना सब्लिमेशन। ये क्या हो गया अपना सब्लिमेशन, ठीक है। प्रोसेस इन विच द स्टेट सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे मैंने, अगर अगर आप एक चीज देखो, फ्रीजर के अंदर जो होती है आइस, वो एक्चुअल में आइस नहीं होती है। अगर उसको अगर आप धीरे से अगर हाथ में लेके देखोगे, और अगर 1 मिनट बाद में देखोगे आप, तो वो वहां से उड़ जाएगी। देयर इज नो वाटर। अगर उसको मैं बाहर रखूंगा तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी पानी की ड्रॉप्स नहीं आएंगी, वो उड़ जाती है। उसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का ड्राई आइस, ठीक है। अब ड्राई आइस में होता क्या है, एक्चुअली वो होती है CO2 गैस प्रेजेंट, जो अपने एटमोसफेयर की वजह से वो फ्रीजर के अंदर आई है, CO2 गैस। CO2 गैस को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो गैस है, बट अगर हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो बन जाती है ड्राई आइस, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं CO2 गैस, CO2 इज अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, बट CO2 बिकम्स सॉलिड। यहां पे वो सॉलिड है तो गैस, बट सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है। कब, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर लिखूंगा, क्योंकि लो टेम्परेचर का मतलब होता है -डिग्रीज में, ठीक है। टेम्परेचर और -डिग्रीज हो गया, और ये हो गया प्लस टेम्परेचर, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया जैसे +30°C, और ये हो गया जैसे मान लो -10°। तो फ्रीजर वाला जो है, अब यहां पे ये क्या बन जाती है, ड्राई आइस। यही है अपनी ड्राई आइस, जिसको हम हाथ में लेते हैं तो वो उड़ जाएगी, जैसे जैसे फ्रीजर के अंदर जितने देर रहेंगे तो वो बिल्कुल आइस की फॉर्म में दिखती है, बट होती नहीं है अगर आप एक्चुअली देखोगे, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका, जैसे कि डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हो आइसक्रीम लेने के लिए, तो आप देखोगे कि जब वो आइसक्रीम वाला हमें आइसक्रीम देता है, तो उसके साइड के अंदर जो लगे रहते हैं पार्टिकल्स, वो ड्राई आइस के होते हैं। ड्राई आइस के अंदर वो हमें मिक्स करके देगा बाहर से, ताकि उसके अगर अगर उस आइसक्रीम जो का जो हम पैकेट लेके आए हैं, अगर उसके बाहर अगर ड्राई आइस लगी हुई है, तो हमें अगर ए से बी जाना है, यानी कि उस दुकान से अगर अपने घर तक जाना है, तो इतनी जल्दी वो जो अपनी आइसक्रीम है वो पिघलेगी नहीं, डिजोल्व नहीं होगी, ये ठीक है ना, उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, सॉलिड से लिक्विड इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले जो ड्राई आइस है, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट इन टू गैस। है क्या वो सॉलिड, और उसको होगी क्या वो गैस, गैस में कन्वर्ट होगी, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाहर जो जो आइस क्यूब्स के जो पार्टिकल्स दिखते हैं ना, वो दैट इज ड्राई आइस, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, CO2 जो गैस होती है वो कन्वर्ट करती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो ड्राई आइस के एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो सब्लिमेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, यानी सेल्सियस इंटू केल्विन, केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर आप 273 प्लस कर दो तो ये बन जाएगा केल्विन। सी यहाँ पे क्या है, सेल्सियस, और के क्या है यहाँ पे, केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की दोनों यूनिट होती है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है। अगर जैसे मान लो, अगर मैंने अगर 50°C है मेरा, तो 50°C तो केल्विन कितना होगा, 50 प्लस 273 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लो आप, 323 हो जाएगा, ठीक है, केल्विन। और अगर 100°C है, 273 किया तो कितना हो गया, 373 K। और अगर 0°C है तो कितना हो जाएगा, केल्विन, 273 केल्विन। तो ये एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, आप लोग प्रोसेस का ध्यान रखना। बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। ये मेरा बेसिक फंडा है जिससे मैं याद रखता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे सिर्फ और सिर्फ कूलिंग होती है। गर्मियों के अंदर जो हमें कूलिंग का जो मतलब एसेंस फील होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो पहले इवेपोरेशन पढ़ लेते हैं होता क्या है। जैसे कि अगर मान लो ये कोई ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो कुछ पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लो हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो अब जो ये पानी बाहर पड़ा हुआ है, मान लो ये पानी इस टाइम पे गर्मी के टाइम पे बाहर पड़ा हुआ है, एक ग्लास के अंदर पानी, और टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है। होता क्या है, अब जो ये पानी के जो टाइनी पार्टिकल्स है, मैटर मैटर के मैटर क्या बताया था मैंने, टाइनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब टाइनी पार्टिकल्स को अगर आप अलग अलग जगह पे नोट करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप देखोगे कि इसका टेम्परेचर जो है ना इन पार्टिकल्स का एक नहीं है। जब टेम्परेचर एक नहीं है तो टेम्परेचर से मैंने क्या बताया था, उनकी स्पीड भी एक नहीं होगी। टेम्परेचर जिसका कम होगा उसकी स्पीड मूव करने की ज्यादा होगी, और स्पीड से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि अगर सपोज ये ठंडा है और ये गर्म है और ये मीडियम गर्म है, तो ये जो जो गर्म है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो इस स्पीड से क्या होता है ना, कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है। सेम जैसे कि इस चीज को आप समझोगे, जैसे कि मान लो अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो नीचे से सरफेस मेरा फुल बहुत ज्यादा हाई हाई टेम्परेचर पे गर्म होगा। अगर मैंने वहां पे 2 बाल्टी पानी भी डाल दी तो होगा क्या, हमें पता है कि हॉट एयर मूव्स टुवर्ड्स इनटू द स्काई, और जो 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 मैंने की जो कोल्ड एयर है वो नीचे रहेगी, गर्म चीज ऊपर जाती है और ठंडी चीज नीचे रहती है। जब मैंने 2 बाल्टी पानी भी डाली अगर मेरे गर्म सरफेस पे, तो होगा क्या कि जो नीचे से गर्म सरफेस था उसकी उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, क्योंकि वो गर्म पानी गर्म हो चुका है, तो वो पानी ऊपर आएगा, गर्म तो ऊपर आएगा, और ऊपर आने से क्या होगा कि वो मेरे को ठंड ठंड का एहसास होगा वहां पे, गर्मी के अंदर मेरे को कूलिंग का एसेंस होगा। होता क्या है कि हॉट एयर राइजेस, जैसे वो ऊपर आएगी नीचे से हवा ऊपर आएगी, तो वो एक कूलर कूलर हवा बनेगी, यानी कि कूलिंग का मेरे को एहसास होगा गर्मी के अंदर। ज्यादातर ये इवेपोरेशन का जो स्टेप है, इस स्टेप का बहुत ज्यादा मेन एप्लीकेशन है। ज्यादातर गर्मियों में जो हम कूलर वगैरह चलाते हैं वो इसी इसी स्टेप पे चलता है, इवेपोरेशन पे, ठीक है। तो इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन वो होता है, इट इज अ स्टेज वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने पहले लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट का, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई भी हो सकता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम, यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा मैं, कोई भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैस के अंदर हो जाए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट गैस के अंदर चेंज हो जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इससे बेसिक जो होता क्या है, इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ज्यादातर हम लोगों को कूलिंग यानी ठंडी हवा का एहसास होता है इसके अंदर, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेपोरेशन का, ठीक है। इवेपोरेशन ये बेसिक है, जो बीकर के अंदर जो मैंने ग्लास के अंदर पानी लिया उससे समझ सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, रेंडम मोशन होगा, गर्म हवा नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमें कूलिंग का इसके अंदर यानी कि आराम से हम एहसास ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है।